Namaste, I'm Vandana. Today I teach you the green sauce recipe. That one is very yummy. Whenever we have no tomato, onion, mango in home, how we make the चटनी. तो आज मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे घर में टमाटर और आम नहीं है या फिर प्याज नहीं है तो हम एक हरी चटनी कैसे बना. चटनी के बिना तो खाना होता ही नहीं है हमारा कम्प्लीट. तो चलिए आज हम बनाते हैं एक हरी चटनी की रेसिपी. दिस इज द इंग्रेडियंट्स फॉर द चटनी. ये हमने सारी चीज़ें ले ली हैं चटनी बनाने के लिए. और एक चम्मच हमने लिया है अमचूर. दिस इज़ द 1 टीस्पून मैंगो पाउडर. इफ़ यू हैव नो मैंगो इज ओके, जस्ट ऐड द 2 लेमन. इन दिस रेसिपी आई ऐड द 1 लेमन, बट इफ़ यू हैव नो मैंगो पाउडर देन यू ऐड द 2 लेमन. तो अगर अमचूर नहीं है तो हम 2 नींबू डाल सकते हैं. 1 टीस्पून क्यूमिन, 1 चम्मच जीरा, 6 to 7 पीसेस ग्रीन चिली, 5-6 हमने हरी मिर्ची ली है. आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं, अगर तीखा पसंद है तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर कम पसंद है तो कम कर सकते हैं मिर्ची. दिस इज़ द 1 टीस्पून सॉल्ट. 1 चम्मच नमक लिया है मैंने. 10-12 लहसुन की कली ली है. 10 to 12 पीसेस गार्लिक. अगर आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप लहसुन को भी हटा दीजिए, बिल्कुल अच्छी लगेगी चटनी बिना लहसुन के भी. तो 1 नींबू लिया है मैंने. जो जिनके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो वो नींबू 2 डाल लें. हु हैव नो मैंगो पाउडर देन ऐड द 2 लेमन. और जब भी हम नींबू डालें उसका बीज हमेशा हटा लें, कभी भी बीज का इस्तेमाल ना करें. एंड दिस इज़ द फ्रेश मिंट. तो ये पुदीना है एंड फ्रेश कोरिएंडर. पुदीना मैंने थोड़ा सा अपने गमले में लगा के रखा है, इमरजेंसी में बहुत काम आता है. आई ग्रो सम मिंट, फ्रेश मिंट इन माई फ्लावर पॉट इन इमरजेंसी, देन आई टेक इट. तो इसको हम पीस लेंगे 1 कप पानी डाल के, और इसको हम पीस लेंगे. अगर सिलवट्टा है तो सिलवट्टे भी पीसिए, बहुत मज़ा आ जाएगा अगर सिलवट्टे भी पिस गई चटनी तो. दिस इज़ बी ग्राइंडेड इन मिक्सर ग्राइंडर. आई ऐड द 1 कप वाटर एंड आई मेक द पेस्ट. तो हम इसका पेस्ट बना लेते हैं. नाउ दिस इज़ रेडी, द चटनी इज़ रेडी. तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा घर में. अगर किसी ने चटनी का बोला है तो ये मत बोलना कि प्याज नहीं है, टमाटर नहीं है या फिर आम नहीं है. तो बनाइए ये झटपट से चटनी, यम्मी सी चटनी. दिस इज़ बी इंजॉय विथ ब्रेड विथ सैंडविच. एंड आई होप एवरीवन लाइक दिस सिंपल सी रेसिपी. सिंपल रेसिपी, आशा करती हूँ कि आप सभी को सिंपल रेसिपी पसंद आई होगी चटनी की. तो बनाइए फिर चटनी और खाइए, और मुझे बताइए कि कैसी बनी है. थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का.